Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 2.5, question number 6. a minus 1 by 2 equal to 1 minus a minus 2 by 3. So let us define. Exercise 2.5, question number 6. a minus 1 by 2 is equal to 1 minus a minus 2 by 3. So this implies that. So right hand side में a minus 2 by 3 है, right hand side में minus a minus 2 by 3 है. तो फिर ये minus a माइनस 2 बाई 3 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए. तो फिर जब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो फिर उनका साइन क्या होगा, चेंज होगा. सो दैट इज a माइनस 2 बाई 3. a माइनस 1 बाई 2 प्लस m माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 1. ट्रांसपोजिंग माइनस m माइनस 2 बाई 3 टू लेफ्ट हैंड साइड, माइनस ए माइनस 2 बाई 3 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया. सो दिस इम्प्लाई दैट. तो एम के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ. सो एम बाई 1 माइनस ए माइनस 1 बाई 2 प्लस ए माइनस 2 बाई 3. 1, 2, 3 का एलसीएम कितना है, 6 है. 6 बाद में एलसीएम डिवाइड फर्स्ट फ्रैक्शन डिनोमिनेटर, 6 डिवाइड 1 दैट इज कॉल्ड टू 6. 6 इंटू फर्स्ट फ्रैक्शन न्यूमेरेटर दैट इज एम, 6 इंटू एम दैट इज कॉल्ड टू 6 एम. माइनस एलसीएम डिवाइड सेकेंड फ्रैक्शन डिनोमिनेटर, 6 डिवाइड 2 दैट इज कॉल्ड टू 3. 3 इंटू सेकेंड फ्रैक्शन न्यूमेरेटर, 3 इंटू सेकेंड फ्रैक्शन न्यूमेरेटर दैट इज एम माइनस 1 प्लस एलसीएम डिवाइड थर्ड फ्रैक्शन डिनोमेटर, 6 डिवाइड 3 दैट इज कॉल्ड 2. 2 इंटू थर्ड फ्रैक्शन न्यूमेरेटर, 2 इंटू एम माइनस 2 इज इक्वल टू 1. तो आप यहाँ पे भी लिख सकते एल सी एम दैट इज इक्वल टू 6. सो दिस इम्प्लाई दैट 6 एम, सो माइनस 3 इंटू एम दैट इज इक्वल टू माइनस 3 एम. माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस दे 3 इंटू 1 दैट इज कॉल टू 3, 1 जै 3 प्लस 3 प्लस 2 इंटू एम 2 एम देन प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 दैट इज कॉल टू माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 1. So this implies that
सिक्स एम प्लस टू एम, सिक्स एम प्लस टू एम, सिक्स प्लस टू दैट कॉल एट एम, देन माइनस थ्री एम प्लस थ्री माइनस फोर, प्लस थ्री माइनस फोर दैट इज कॉल टू माइनस वन होल डिवाइडेड बाय सिक्स इक्वल टू वन. सो दिस इम्प्लाइज दैट एट एम माइनस थ्री एम, एट एम माइनस थ्री एम दैट इज कॉल टू फाइव एम माइनस वन डिवाइडेड बाय सिक्स इक्वल टू वन. तो फिर अभी लेफ्ट हैंड साइड में सिक्स है, ये सिक्स को हटाना है. तो फिर दोनों साइड में सिक्स मल्टीप्लाई कीजिए. सो दिस इम्प्लाइज दैट फाइव एम माइनस वन डिवाइडेड बाय सिक्स इंटू सिक्स इक्वल टू वन इंटू सिक्स मल्टीप्लाइंग सिक्स, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई सिक्स. दोनों साइड को मैंने सिक्स में मल्टीप्लाई किया. सो दिस इम्प्लाइज दैट सिक्स सिक्स कैंसिल, फाइव एम माइनस वन सो दैट इज इक्वल टू वन इंटू सिक्स दैट इज इक्वल टू सिक्स. सो दिस इम्प्लाइज दैट. तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वन है, ये माइनस वन को राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए. तो फिर जब राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे माइनस वन का साइन चेंज होगा दैट इज प्लस वन, फाइव एम इक्वल टू सिक्स प्लस वन ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोजिंग माइनस वन टू राइट हैंड साइड. सो दिस इम्प्लाइज दैट फाइव एम इक्वल सिक्स प्लस वन दैट इक्वल सेवन. तो अभी एम के साथ फाइव पे, ये फाइव को हटाना है. तो फिर दोनों साइड में फाइव को डिवाइड कीजिए. सो दिस इम्प्लाइज दैट फाइव एम डिवाइड फाइव इज इक्वल टू सेवन बाई फाइव. डिवाइडिंग बोथ द साइड्स, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई फाइव. दोनों साइड को मैंने फाइव में डिवाइड किया. सो दिस इम्प्लाइज दैट फाइव फाइव कैंसिल, एम इक्वल टू सेवन बाई फाइव. देन सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन. तो सिंप्लीफाई करके ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए. सेवन नंबर थ्री होल इंटू टी माइनस थ्री इक्वल टू फाइव होल इंटू टू टी प्लस वन. सो लेट अस डिफाइन. क्वेश्चन नंबर सेवन, थ्री होल इंटू टी माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव होल इंटू टू टी प्लस वन. सो दिस इम्प्लाइज तो ब्रैकेट को हटाना है. थ्री इंटू टी
थ्री इंटू टी दैट्स इक्वल टू थ्री टी, थ्री इंटू माइनस थ्री, थ्री इंटू माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू माइनस नाइन इज इक्वल टू फाइव इंटू टू टी दैट इज इक्वल टू टेन टी प्लस फाइव इंटू वन दैट इज इक्वल टू फाइव. सो दिस इंप्लाइज दैट तो फिर राइट हैंड साइड में टेन टी है, ये टेन टी को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए. जब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगी उनका साइन क्या होगा, चेंज होगा, दैट इज माइनस टेन टी. थ्री टी माइनस नाइन माइनस टेन टी इज इक्वल टू फाइव. ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग टेन टी टू लेफ्ट हैंड साइड, टेन टी को मैंने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया. सो दिस इंप्लाइज दैट बाद में ये लेफ्ट हैंड साइड में माइनस नाइन है, ये माइनस नाइन को राइट हैंड साइड शिफ्ट करो, शिफ्ट कीजिए. जब शिफ्ट करोगी तो फिर उनका साइन चेंज होगा, दैट इज प्लस नाइन. थ्री टी माइनस टेन टी इज इक्वल टू फाइव प्लस नाइन. ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग माइनस नाइन टू राइट हैंड साइड, माइनस नाइन को मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया. सो दिस इंप्लाइज दैट थ्री टी माइनस टेन टी, थ्री टी माइनस टेन टी दैट इज इक्वल टू माइनस सेवन टी इज इक्वल टू फाइव प्लस नाइन दैट इज इक्वल टू फोर्टीन. सो दिस इंप्लाइज दैट तो अभी टी के साथ कौन सा नंबर है, माइनस सेवन है. तो फिर ये सेवन को हटाना है, तो फिर दोनों साइड में सेवन को डिवाइड कीजिए. माइनस सेवन टी डिवाइड बाय सेवन इज इक्वल टू फोर्टीन बाई सेवन. डिवाइडिंग बोथ द साइड्स डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय सेवन. तो दोनों साइड को मैंने सेवन में डिवाइड किया. सो दिस इंप्लाइज दैट सेवन सेवन कैंसिल. सो दैट इज इक्वल टू माइनस टी इज इक्वल टू फोर्टीन बाय सेवन. फोर्टीन बाय सेवन सेवन टू जार फोर्टीन. सो दैट इज इक्वल टू सेवन टू जार फोर्टीन. सो माइनस टी दैट इज इक्वल टू माइनस टी दैट इज इक्वल टू. तो फिर ये टी के साथ माइनस है तो माइनस को हटाना है. तो फिर दोनों साइड में माइनस वन मल्टीप्लाई कीजिए. सो दिस इंप्लाइज माइनस टी इंटू माइनस वन इज इक्वल टू टू इंटू माइनस वन मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग माइनस वन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय माइनस वन. दोनों साइड को मैंने माइनस वन में मल्टीप्लाई किया. सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस टी इंटू माइनस वन दैट इज कॉल्ड टू टी.
इक्वल टू 2 इंटू माइनस वन दैट इज इक्वल टू माइनस टू. सो टी इक्वल टू माइनस टू. Then next come to the question number 8. 15 whole into y minus 4. Y minus 4 minus 15 in whole into y minus 4 minus 2 whole into y minus 9 plus 5 whole into y plus 6 is equal to 0. So this implies that. So 15 into y that is equal to 15y. 15 into minus 4 that is equal to minus 60. Then minus 2 into y that is equal to minus 2y. Minus 2 into minus 9 that is equal to plus 18. Then plus 5 into y that is equal to 5y. Plus 5 into plus 6, plus 5 into plus 6 that is equal to 30 equal to 0. So this implies that. तो अभी similar term को पास पास में लिखिए. So 15y then प्लस 5y देन माइनस 2y देन प्लस 18 प्लस 30 माइनस 60 इक्वल टू 0. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. So this implies that 15y plus 5y that is equal to 20y minus 2y plus 18 plus 30. 18 plus 30 that is equal to 48 minus 60 equal to 0. So this implies that 20y minus 2y that is equal to 18y. Then 48 minus 60, 48 minus 60 that is equal to minus 12 equal to 0. So this implies that. To fit अभी ये minus 12 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए. जब शिफ्ट करोगी उनका साइन चेंज होगा दैट इज प्लस 12. सो 18 वाई इक्वल टू 0 प्लस 12 ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग माइनस 12 टू राइट हैंड साइड. माइनस 12 को मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया. सो दिस इंप्लाइज दैट 18 वाई इक्वल टू 0 प्लस 12 दैट इज इक्वल 12. तो फिर अभी y के साथ कौन सा नंबर है 18 है. तो फिर 18 को हटाना है. तो फिर दोनों साइड में 18 को डिवाइड कीजिए. सो दिस इंप्लाइज दैट 18 वाई डिवाइड 18 इज इक्वल टू 12 by 18.
डिवाइडिंग बोथ द साइड्स, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 18, दोनों साइड को मैंने 18 में डिवाइड किया, सो 18 कैंसिल, y इक्वल टू, सो 12/18, तो फिर 12/18 ये दोनों नंबर 6 में डिविजिबल है, सो 12 डिवाइड 6 दैट्स कॉल्ड टू 2, देन 18 डिवाइड 6 दैट्स कॉल्ड 3, सो y इक्वल टू 2/3.